दिखाएंगे। बुमराह बंगालियों को ले 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 डूबेगा, ले डूबेगा वो, ले डूबेगा नजर आ रहा है, लुटियां पवावेगा। इंडिया इंडिया कौन जीतेगा? इंडिया अच्छे ने प्लेयर, अच्छे प्लेयर है, कोहली अच्छा बैट्समैन है, पर मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि हमें बहुत मैच रहे हैं उसने। अच्छा वो पाकिस्तान के मैसेज दूंगा, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। ओके इंडिया क्यों, इंडिया क्यों जीतेगा? इंडिया अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है। इंडिया में कौन सा बैट्समैन पसंद है आपको? मुझे रोहित शर्मा। कल इंशाल्लाह इंडिया ही जीतेगी। इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं आप इस दफा? जी मैं इंडिया को। अच्छा इंडिया क्यों? से बुमराह अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसकी लाइन लेंथ और सब कुछ और उसके और बुमराह खतरनाक डेंजरस बॉलर है, उनकी किलियां उड़ाएगा। अच्छा तो वन साइडेड इंडिया जीतेगा बांग्लादेश से? हां मुझे लगता है वन साइडेड ही होगा। बांग्लादेश कुछ उनकी बॉलिंग शोन बॉलिंग उसकी बहुत है, उसकी इंडिया में इतनी फैन फॉलोइंग नहीं जितनी पाकिस्तान में कोहली की फैन फॉलोइंग है। बांग्लादेश का मैच है, इंडिया जीतेगा। इंडिया जीतेगा, इंडिया स्ट्रांग टीम है इस टाइम। नहीं अब कोहली। अच्छा कोहली मुझे बताया रोहित शर्मा। वालेकुम अस्सलाम मुगल, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे आदिश। जैसे कि आपको पता है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मैच होने जा रहा है और हम पाकिस्तानी अवाम से पूछेंगे, हम इस टाइम ग्राउंड आए, ग्राउंड में आप देख सकते हैं लोग यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं, एंजॉयमेंट भी कर रहे हैं। हम पूछेंगे उनसे इंडिया वर्सेज बांग्लादेश का मैच है, क्या विराट कोहली अपनी परफॉर्म पर वापस आएंगे, क्या बुमराह जिस तरह अफगानिस्तान के मैच में उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है क्या उस तरह भी विकटें लेंगे, कुलदीप यादव विकटें लेंगे क्या, साथ अर्शदीप सिंह विकटें लेंगे, आए पाकिस्तानी अवाम से पूछे वो क्या अपनी राय रखती है। यार बात सुनो इधर आ रहा, बांग्लादेश का इंडिया का मैच कौन जीतेगा? पता नहीं है हमें, क्या पता है? इंडिया। कौन जीतेगा? इंडिया। बांग्लादेश नहीं जीतेगा? नहीं। अच्छा इंडिया बांग्लादेश का मैच कौन जीतेगा? इंडिया ही जीतना। तो बांग्लादेश नहीं जीतेगा क्यों? इंडिया की टीम टफ है। इंडिया की टीम कौन टफ मुकाबला करेगा, कौन टफ बैट्समैन बॉलर कौन टफ है उनके? वो नाम तो नहीं मुझे याद, वैसे उनका बॉलर है बुमराह, वो अच्छा बॉलर है। अच्छा और बैटिंग में? बैटिंग में विराट ही है, मगर अभी उसने कोई परफॉर्मेंस नहीं की, आगे कर लेगा, आगे कर लेगा। आए जी आगे पूछते हैं, आए जी आपसे पूछते हैं, मेरी बात सुनो इधर आओ, मैच है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश कौन जीतेगा? बांग्लादेश जीतेगा। बांग्लादेश जीतेगा। आए जी आगे पूछते हैं लोगों से, बांग्लादेश इंडिया के ज़्यादा फैन फॉलोइंग पाकिस्तान के अंदर, आए लोगों से पूछते हैं और लोगों से क्या कहते हैं लोग। यार इंडिया इंडिया बांग्लादेश का मैच कौन जीतेगा? इंडिया। इंडिया इंडिया बांग्लादेश का मैच कौन जीतेगा? पता नहीं है। आए जी आगे पूछते हैं, इंडिया बांग्लादेश का मैच कौन जीतेगा? नहीं, इंडिया बांग्लादेश का मैच कौन जीतेगा ये इंटरेस्टिंग नहीं है। आओ चाचू पूछते हैं, चाचू इंडिया वर्सेज बांग्लादेश का मैच कौन जीतेगा? बांग्लादेश। बांग्लादेश कौन जीतेगा? इंडिया वर्सेज बांग्लादेश का मैच है बांग्लादेश। इंडिया बांग्लादेश का मैच कौन जीतेगा? इंडिया जीतेगा। इंडिया इंडिया कौन जीतेगा? इंडिया अच्छे ने प्लेयर, अच्छे प्लेयर है। आज आगे बात करते हैं, नहीं दोहरा है मैच ना उनका, अभी उनका सुपर एट का मैच। आओ यार आगे पूछते हैं, आज आज बता दो आप, बांग्लादेश इंडिया वर्सेज बांग्लादेश का मैच कौन जीतेगा? टाई हो जाएगा। टाई हो जाएगा। इंडिया वर्सेज बांग्लादेश का मैच कौन जीतेगा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया, यहाँ ऑस्ट्रेलिया की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। आए आगे लोगों से पूछते हैं, ये अंकल बैठे हैं ताश खेलते हैं, इनसे पूछते हैं, चाचू इंडिया वर्सेज बांग्लादेश का मैच है कल कौन जीतेगा? कुछ बताएंगे कमेंट्स? बांग्लादेश। चाचू कौन जीतेगा? बांग्लादेश हार चुका है, वो जा चुका सुबह का। नहीं नहीं अभी है उनका मैच, उनका मैच खत्म हो गया बेटा, आज सुबह मैच था वो खत्म हो गया। आज इंडिया के साथ तो है उनका मैच, इंडिया का बांग्लादेश के साथ कब था? कल मैच है, कल वो बांग्लादेश जीतेगा। बांग्लादेश इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मैच अंकल? अच्छा नो कमेंट्स। आए जी आगे चलते हैं, पूछते हैं आगे वो भाई बैठे हैं उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं अपनी। यार इंडिया बांग्लादेश का मैच कौन जीतेगा कल? इंडिया और बांग्लादेश का मैच है, इंडिया जीतेगा। इंडिया जीतेगा, इंडिया स्ट्रॉन्ग टीम है इस टाइम। यस। आए जी आगे चलते हैं जी, आगे पूछते हैं हम क्या राय रखती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडिया की ज़्यादा फैन फॉलोइंग है और जो हमारे बुजुर्ग हैं वो बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहे हैं इस दफ़ा। जितने भी हमने देखे यहाँ पे जितने भी बच्चे और न्यू टैलेंट है वो कह रहे हैं जी इंडिया जीतेगा, विराट कोहली जीतेगा, बुमराह जीतेगा। आए जी आगे बांग्लादेश, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उन्हें बोला बांग्लादेश। आए आगे पूछते हैं उनसे कौन कौन जीतेगा, ये बच्चे आ रहे हैं, बच्चे से पूछते हैं, इंडिया बांग्लादेश का मैच बेटा कौन जीतेगा कल? बांग्लादेश। कौन जीतेगा इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मैच?
नहीं ये नहीं दे रहे कमेंट्स। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मैच कौन जीतेगा? इंडिया। क्यों इंडिया क्यों जीतेगा? क्योंकि इंडिया अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है। इंडिया में कौन सा बैट्समैन पसंद है आपको? मुझे रोहित शर्मा हिटमैन। हिटमैन और बॉलिंग में? बॉलिंग में बुमराह बेस्ट कर रहा है तो बुमराह ही। बुमराह जो कल तबाही किया आज तो बांग्लादेश के मैच में तबाही करेंगे? हाँ जी, जिस तरह उसकी अच्छी फॉर्म जा रही है उस हिसाब से तो वो अच्छा खेलेगा। अच्छा जी जी, अच्छा जी, बुमराह और विराट कोहली। बुमराह, विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये तीन बंदों के नाम ही। यार बुमराह ने टैलेंट है, इंडिया का कल देखे कितनी अच्छी उनकी बैटिंग रही, फील्डिंग उनकी बहुत अच्छी रही, उनकी बॉलिंग देखें। जडेजा को मार पड़ी है ज़रूर, पर इतनी नहीं पड़ी, लेकिन बुमराह ने अपना हक अदा किया है, जिस तरह होता है ना मैच विनिंग किया है, ये बुमराह ने किया है। सर अर्शदीप सिंह का तो पता ही होगा आपको, अर्शदीप सिंह ने 36 खाया और तीन विकेट ले गए। फिर हम कुलदीप यादव की बात करें, कुलदीप यादव दो विकेट ले। सर हमने देखा कि वहाँ पे ना टीम ही पूरी चली है, उनकी टीम ने अगर एक ने परफॉर्म नहीं किया, दूसरे ने परफॉर्म किया, दूसरे ने किया, तीसरे ने परफॉर्म किया, क्या कहेंगे रोहित शर्मा की प्लानिंग से? उनके रोहित शर्मा नहीं चले, विराट कोहली नहीं चले, मगर बाकी सारी बैट्समैन चले, तो हमारी तरफ से ग्रुपिंग हुई थी तो आज पता भी चल गया इसका। बेसिक आप पाकिस्तान और इंडिया की टीम को इकट्ठा ना मिलाएं, बहुत मिला रहे हैं ना, वो खेलते हैं मुल्क के लिए, इंडिया खेलती है मुल्क के लिए, अफगानिस्तान खेलती है मुल्क के लिए, खेलते हैं अपने लिए, ओडी बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, फेस 7 में कोठियाँ लेने के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए, लीगों के लिए, वो खेलते हैं मुल्क के लिए अपने, उनको मुल्क के लिए जो खेलता है। अब रोहित कोहली ने किसी मैच में नहीं चल रहा, कोई बात कोई मसला नहीं चल रहा, लेकिन बाकी तो अपने मुल्क के लिए खेल रहे हैं। कोहली की नहीं परफॉर्मेंस अच्छी नहीं कर रही, लेकिन बैट बैट ही है। बाकी टीम तो कोहली ने जो पहले अपने रिकॉर्ड्स बनाए हुए हैं वो अभी भी उसकी फैन फॉलोइंग ऐसे ही है। फैन फॉलोइंग उसकी बहुत है, उसकी इंडिया में इतनी फैन फॉलोइंग नहीं जितनी पाकिस्तान में कोहली की फैन फॉलोइंग है। मेरे ख्याल से बुमराह की भी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा होगी पाकिस्तान के अंदर। बुमराह इज अ बहुत अच्छा ग्रेट बॉलर, मैं कहता हूँ माया नाज बॉलर निकला है। सर मुझे ये बताएं, अगर बात करें कल मैच होने जा रहा है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मैच, उसमें क्या आप देख रहे हैं बुमराह क्या तबाही करने जा रहे हैं? जिस तरह कल तो उन्होंने तबाही कर दी, उन्होंने सात स्कोर खाया, तीन विकेटें भी ले गई और चार ओवरों के अंदर और आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करें, कल क्या बुमराह अपना जलवा दिखाएंगे? बुमराह बंगालियों को ले डूबेगा वो ले डूबेगा, नजर आ रहा है लुटियां पवावेगा बंगालियों की। बुमराह खतरनाक डेंजरस बॉलर है, उनकी किलियां उड़ाएगा। अच्छा विराट कोहली के हवाले से क्या कहेंगे? विराट कोहली साहब ने भी अपना लव है, जिगर है। तो यार मेरी बात सुने, आज हमारी भी कुछ बाबर आजम ने ग्रुपिंग के बारे में की बात नहीं मैं करना। अच्छा चले, मैं उनकी बात पाकिस्तानियों की बात नहीं मैं करना चाहता, प्लेयर पाकिस्तान की क्यों नहीं बात करना चाहते? वो फर्क कर दिए हैं, दिल से तार दिए हैं अब कोहली। अच्छा कोहली मुझे बताए, रोहित शर्मा और विराट कोहली कैसे बैट्समैन है? यार कोहली की तो बात ही ना करो, कोहली अपना जिगर है, लव है, ठीक हो गया, बड़ा ग्रेट खेलता, मजा आता, बेशक नहीं चला कोई मसला नहीं, पीछे रिकॉर्ड तो बनाए हैं ना उसने, एक बैट नहीं चल रहा, लेकिन निकालते नहीं है, मुल्क के लिए खेलते हैं। और रोहित शर्मा भी ग्रेट, उनकी प्लानिंग कैसे लगती है कप्तानी की? प्लानिंग बहुत अच्छी है, उनकी प्लानिंग आउटस्टैंडिंग है, बहुत मजे का खेलते हैं और एक टीम को साथ लेके चलते हैं, ये नहीं टोलेबाजी बनाते, तीन उधर चार इधर छः उधर, ये काम नहीं है, वो इकट्ठे मिलके खेलते हैं, उनके अंदर एक सलूक है, मुल्क के लिए खेलना है, ये मुल्क के लिए नहीं खेलते, ये तो अपनी बीवियों को साथ लेके जाते हैं उधर हनीमून मनाने जाते हैं, हनीमून यूएसए में हनीमून मनाने। वो लड़के ने बहुत अच्छा किया यार, हारिस राव बहुत अच्छा किया। अच्छा आज मुझे ये बताएं कितना स्कोर कल कर लेगा इंडिया और बांग्लादेश, कितना कर लेगा स्कोर के? अगर इंडिया ने टॉस जीत कर बैटिंग की 180 प्लस होगा, 180 प्लस, और अगर बांग्लादेश कर लेगा, बांग्लादेश ने किया 150-160 का, बांग्लादेश कर पाएगा चेस? बांग्लादेश चेज नहीं कर पाएगा यार, बांग्लादेश छोटी टीम है, अब ये सुपर एट की बात है, बहुत अच्छा खेल रही है बांग्लादेश भी, अफगानिस्तान भी सुपर एट में, तो पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश से भी नीचे आ गई है। अफगानिस्तान के लेवल के नहीं खेलने के काबिल रहे, तो इंडिया बहुत बड़ी ब्रांड टीम है, उसके लेवल पे कहाँ खेल। क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं लास्ट में यही मैसेज दूंगा बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। ओके बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का, बात करने जा रहे हैं सर इंडिया वर्सेज बांग्लादेश का मैच स्टार्ट होने जा रहा है, इंडिया का दूसरा सुपर एट का मैच स्टार्ट। लास्ट टाइम जो मैच में बात करें अफगानिस्तान के मैच में बुमराह ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, क्या बुमराह करने जा रहे हैं बांग्लादेश के मैच में? सेम ही होगा जैसे आप देख रहे हैं पूरे टूर्नामेंट में, स्टार्टिंग से बुमराह अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उसकी लाइन लेंथ और सब कुछ और उसके यॉर्कर्स वो तो पकड़े ही नहीं जा रहे। यॉर्कर की वजह से मशहूर है इस टाइम वो। हाँ यॉर्कर की वजह से मशहूर है, पर चाचा जी से तो फुल टॉस पे भी नहीं लगी, तो हम ये भी कह सकते हैं कि किसी बॉल पे भी नहीं लग रहे उनके। बहरहाल अगर देखें लास्ट मैच में तो अफगानिस्तान एक छोटी टीम है, हाइप दी थी उन्हें लोगों ने, पर पाकिस्तान ये जो सबको ऊपर ले जाता है। यार मेरी बात सुना, पाकिस्तान आपने वो टीम वो सुपर एट में क्वालिफाई हुआ बांग्लादेश,
अफगानिस्तान, तो हमारी टीम तो क्वालिफाई भी नहीं हुई सुपर एट में। हमारा तो दूर तक निशान भी नहीं है, इसलिए तो वर्ल्ड कप भी देखा नहीं जा रहा। अच्छा, दिल करता है। बाकी अब स्पोर्ट किसको कर रहे हो आप? अब तो वो तो निकल गया पाकिस्तान से। वैसे अगर दूसरी टीमों में देखे तो मैं खुद से जाता हूँ वेस्ट इंडीज। अच्छा, वो एक तरह से वापस आ रहे हैं, काफ़ी पीछे चले गए थे क्रिकेट में। इंडिया अच्छी टीम है और उनके ग्रुप में भी देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया मोस्ट प्रोबेबली चांस हैं कि वही क्वालिफाई करें, और मुझे लगता है कि वो सेमीफाइनल तक ही रहेंगे, आगे नहीं आ पाएंगे। कौन इंडिया ले आप कह रहे हैं? हाँ, मुझे लगता है वो सेमीफाइनल में। अच्छा सर, इस दफा अगर बात करें तो उनकी परफॉर्मेंस में रोहित शर्मा भी है, विराट कोहली की परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही है। मैं परफॉर्मेंस लूज होती जाए, डे बाई डे लूज हो रही है उनकी परफॉर्मेंस। टूर्नामेंट के स्टार्ट में कुछ तो पिचें ऐसी थी कि बड़े बड़े बैट्समैन नहीं चल सके उधर। अब आके कोहली को उन्होंने ओपन कराया, मेरे हिसाब से वो गलत किया उन्होंने। उसकी जो नंबर वन डाउन पोजीशन है वो सबसे बेस्ट है, वो जहाँ पूरा कैरियर उसका उस पर है। मुझे लगता है शायद इंडिया आगे चेंज करने का ट्राई करे। बहरहाल वो फिर भी चला आ रहे हैं, उसे वो क्लिक भी कर सकता है, उसका कोई पता नहीं। बड़े जायसवाल को पता है आपको? जायसवाल का, हाँ वो एक जायसवाल कैसा बैट्समैन है, वो भी आ रहे हैं बांग्लादेश के मैच में। वो 19-20 साल का लड़का है और उसने डबल सेंचुरीज, टेस्ट मैचेस कहाँ उसने परफॉर्म किया है। एक अच्छा बैट्समैन है काफ़ी, और जिगरे वाला है। जो इंडिया बांग्लादेश का मैच होगा, वन साइडेड इंडिया जीतेगा बांग्लादेश से? हाँ, मुझे लगता है वन साइडेड ही होगा। बांग्लादेश कुछ उनकी बॉलिंग शोन बैटिंग, बांग्लादेश की बॉलिंग में सिर्फ एक से दो बॉलर्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मुस्तफीज है। और बहरहाल वो एक दूसरे के साथ काफ़ी खेले हुए हैं। इंडिया की बैटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है और डेप्थ भी काफ़ी है, और उनको कोई इस तरह का मसला नहीं होगा। 24 जून वाले मैच में क्या होगा? 24 जून को ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का जो मैच है, मैच उसमें क्या होगा? उसमें तो हमारी सपोर्ट ऑस्ट्रेलिया के साथ ही है। कुछ लोग इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं? कर रहे होंगे, कुछ लोग हैं यहाँ पे जो काफ़ी अच्छे लगते हैं उन्हें कोहली वगैरह, इस वजह से करते हैं। तो आपको कौन पसंद है? आपको कौन पसंद है? मुझे तो फैन था बाबर का। अच्छा, और अभी भी हूँ बाबर का। तो इंडिया में कौन पसंद है आपको? इंडिया में कोहली अच्छा बैट्समैन है, पर मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि हमें बहुत मैच रहे हैं उसने। अच्छा, वो पाकिस्तान के मैच में चलते हैं वो? वही ना, बहुत दिल तोड़ा उसने बचपन से लेके अभी तक, जब से देखते आ रहे हैं कोहली। पहले टेंडुलकर थे, आप कोहली आ गए? हाँ, आप कोहली आ गए, बस वही लेके बैठा हुआ है। हमारा बचपन और बड़ा जवानी गुजर गई, वो नहीं जा रहा बस। अच्छा, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। इंडिया वर्सेज बांग्लादेश का मैच होना है सर, आप मुझे बताएं कल कौन सी टीम आपको नजर आ रही है जो जीतेगी? लास्ट टाइम में मैच में देखे अफगानिस्तान में तो बुमराह ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी, कल क्या होने जा रहा है? कल इंशाल्लाह इंडिया ही जीतेगी। इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं आप इस बार? जी, मैं इंडिया को। अच्छा, इंडिया क्यों पाकिस्तानी अवाम इस बार सपोर्ट कर रही है? बस इंडिया वाले अच्छे खेलते हैं, अच्छे प्लेयर हैं। तो पाकिस्तानी टीम ने अच्छा खेलती? बस वो पैसे के लिए खेलती है। हाँ, पैसे के लिए, ये देखें सारी पाकिस्तानी माओं को पता है। अच्छा मुझे बताए, जो इंडिया की टीम में कौन सा बैट्समैन बॉलर आपको पसंद है? मुझे बैटिंग में गोली पसंद है। अच्छा, और वो गुमराह पसंद है। गुमराह, वो बुमराह होता है ना, बुमराह जितने थोड़े मुश्किल से समझ में नहीं आता। अच्छा मुझे बताए, बुमराह कल कितनी किलियाँ उठाएगा बांग्लादेश की? उठा लेगा, तीन चार उठा लेगा। तीन चार इसलिए उठा लेंगे? हाँ उठा लेंगे। ठीक है।